पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बता दें, समय राजधानी लखनऊ के आम आदमी पार्टी कार्यालय के जस्ट अंदर खड़ा हुआ हूं। कुछ ही देर पहले आप साफ तौर से देख रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसमें साफ तौर से जो बुलडोजर जो प्रणाली जो चली आ रही है, और बुलडोजर जस्टिस पर साफ तौर से तीखा प्रहार करते दिखाई दिए सांसद संजय सिंह। कुछ ही दिन पहले आपको बता दें, कानपुर देहात के रूरा मड़ौली में जिस तरीके से कांड हुआ, एक छप्पर गिर जाने के बाद माँ बेटी दोनों की एक ब्राह्मण परिवार के जिस तरीके से मृत्यु हो गई, बता दें नाम था उनका प्रमलीला दीक्षित और साथ में उनकी बेटी नेहा दीक्षित, छप्पर गिर जाने कारण, आग लग जाने कारण किस तरीके से मृत्यु हो। और बीते दिन की बात बता दूं तो सांसद संजय सिंह खुद उस पीड़ित परिवार के पास गए थे मिलने के लिए, और आज के दिन यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साफ तौर से आप तस्वीरें मेरे बगल में देख रहे हैं किस तरीके से सांसद संजय सिंह यहाँ पर आहूति दे रहे हैं बुलडोजर की, एक क्रेन और एक साथ आप देख सकते हैं, आप एक छोटा सा डमी पीस रखा हुआ है क्रेन का और एक छोटे बुलडोजर का, साफ तौर से आहूति दे रहे हैं, हवन कर रहे हैं, और हवन में साफ तौर से इसको बैन कराने की एक तरीके से बात की। जो प्रणाली जो चली आ रही है, साफ तौर से नाराजगी जताई है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। साफ तौर तस्वीरें देख रहे हैं, बगल में इनके तमाम कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और खुद प्रदेश अध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के। साफ तौर तस्वीरें आपके सामने हैं, कुछ ही देर में हम इनसे सांसद संजय सिंह से बात करेंगे। और आपको बता दें, जो बुलडोजर जस्टिस को लेकर के लगातार जो प्रणाली चली आ रही है, इस पर सांसद संजय सिंह ही कहें या फिर अन्य अगर विपक्षी दलों की बात करें तो लगातार इस पर उंगलियां उठाते रहे हैं और साफ तौर से बैन करने की बात कर रहे हैं। और आपको बता दें कि खुद योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो साफ तौर से उन्होंने बोल रखा है कि जो किसी भी गरीब का आशियाना न जलाया जाए या न तोड़ा जाए, और अगर इसको अगर किया भी जाता है तो उससे पहले उनको पुनर्वास करवाया जाए। तो साफ तौर से ये जो पूरी जो प्रणाली चली आ रही है उस पर उंगलियां तो उठ रही हैं। और आपको बुलडोजर प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई वो भी बताऊँगा। एक हेलीकॉप्टर में तस्वीर वायरल होती है जिसमें खुद योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि नीचे देखिए हमारी सभा में बुलडोजर खड़े हुए हैं। शुरुआत वहाँ से होती है। कुछ ही देर बाद हम सांसद संजय सिंह से बात करेंगे और जानेंगे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और कल जो पीड़ित परिवार से जो मुलाकात हुई उस पर क्या कुछ कहेंगे। बुलडोजर जस्टिस नहीं कह सकते आप इसको, बुलडोजर जो है वो मौत का बुलडोजर है, अन्याय और अत्याचार का बुलडोजर है, आतंक का बुलडोजर है, और इसलिए इस बुलडोजर पर रोक लगनी चाहिए। आज इस यज्ञ में हम लोगों ने बुलडोजर की आहुति दी है और योगी सरकार से मांग कर रहे हैं कि अब आप इस बुलडोजर को रोक दीजिए, गरीब की छाती पर मत चलाइए, उसकी झोपड़ी पर मत चलाइए। और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में ये बुलडोजर आतंक का पर्याय बन गया है, इसको रोकना ही होगा। अगर नहीं रुकेंगे तो हर जिले के अंदर इसको लेकर आंदोलन होगा। कल सर पीड़ित परिवार से भी सर आप सर मिलने गए थे? हाँ, मैं गया था मिलने और बेटे ने बताया कि प्रशासन के लोगों ने झोपड़ी में आग लगा के, शिवम दीक्षित ने बताया कि उनकी माँ और बहन की जान ली गई। सर कुछ सर मुआवजे की सर बात कर रहे हैं सर? 1 करोड़ का मुआवजा, हाई कोर्ट से मॉनिटर्ड CBI की इंक्वायरी, और इस पूरे मामले में जो मकान गिराया गया मकान बनाया जाए और दोनों को नौकरी दी जाए। तो आप साथ देख रहे थे साफ तौर से संजय सिंह सांसद आम आदमी पार्टी साफ तौर से कह रहे थे कि मुआवजे की बात भी कर रहे थे कि इस गवर्नमेंट से बात की है कि 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, और जिस तरीके से घर गिराया गया घर की भी डिमांड की। आज साफ तौर से आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर जो बुलडोजर प्रणाली चली आ रही है मौजूदा गवर्नमेंट की, बुलडोजर जस्टिस पर साफ तौर से उंगली उठाओ तीखा प्रहार किया है मौजूदा गवर्नमेंट पे, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट पे, और आपने साफ तौर से देखा किस तरीके से बुलडोजर की आहुति दी। अब देखने वाली बात होगी जो बात हो रही विपक्षी तरफ से कि मुआवजा दिया जाए उस पर क्या कुछ करती है मौजूदा गवर्नमेंट। तब तक के ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।